तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस तरह की AI सेल्फी बाबर आजम के साथ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने नेम के साथ। इस तरह की AI इमेजेस आजकल काफ़ी वायरल है टिकटॉक और फेसबुक पे। आप लोग एक ही क्लिक से इस तरह की इमेज को रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है बींग इमेज क्रिएटर और सबसे पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली इसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में जहाँ पे उसामा लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने नेम को ऐड कर देना है। नेम को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको क्रिएट कर देना है। प्रॉम्प्ट में आप लोग कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे बाबर आजम के नेम को रिमूव करके अपने फेवरेट प्लेयर के नेम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग आएगी, तो आप लोगों ने यहाँ से वेट कर लेना है। और प्रोसेसिंग के बाद हमारी AI इमेजेस रेडी हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं AI ने कितनी अच्छी तरह से AI इमेजेस को जनरेट किया है। तो फेस को ऐड करने के लिए सेकंड वाली फ़ोटो मुझे बेस्ट लग रही है। हम लोग इसको ओपन कर लेंगे और इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। AI इमेज में फेस को किस तरह से ऐड करना है, उसके लिए आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है रीमेकर AI और सबसे पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएगा फेस स्वाइप नाउ का, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों ने उस फोटो को अपलोड कर देना है जिसमें आप फेस को लगाना चाहते हैं और सेकेंड वाले ऑप्शन में आप लोगों ने अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम उस फोटो को अपलोड कर देंगे जो हमने बींग इमेज क्रिएटर से रेडी की थी और सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोग बाबर आजम की फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको स्वैप कर देना है। तो इसके बाद प्रोसेसिंग आएगी, आप लोगों ने यहाँ से वेट कर लेना है। और प्रोसेसिंग के बाद AI सेल्फी बाबर आजम के साथ हमारी फ़ोटो रेडी हो चुकी है। आप लोग भी इसी तरह अपने किसी भी फेवरेट प्लेयर के साथ AI इमेज को रेडी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं AI की हेल्प से कितनी अच्छी तरह से फ़ोटो का फेस चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।